महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले बीजेपी वाले महायुति गठबंधन को छटके पर छटके लग रहे हैं। पहले लोकसभा चुनाव में बीजेपी और गठबंधन का खराब प्रदर्शन, और अब एक और बड़ा झटका महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार को लगा है। इसी झटके का असर पूरे महायुति गठबंधन पर भी पड़ेगा। वहीं कांग्रेस वाले एमवीए गठबंधन के लिए लोकसभा चुनाव के बाद ये खबर अच्छे संकेत हो सकते हैं। विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव होने में वैसे तो अभी समय है, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र में बड़े उलटफेर देखने को मिल सकते हैं, जिसके संकेत चाचा शरद पवार ने भतीजे अजीत पवार के खेमे में सेंध मारी करके दे भी दिए हैं। क्या है पूरा मामला, बताएंगे सब इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ठीक पहले महायुति सरकार में शामिल अजीत पवार गुट के लिए मुश्किलें पड़ गई हैं। अजीत के गुट वाली एनसीपी को आज बड़ा झटका लगा है। पिंपरी चिंचवार से अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के कई नेता और पार्षद शरद पवार के गुट में वापस शामिल हो गए हैं। एनसीपी पिंपरी चिंचवार छात्र विंग के प्रमुख यश साने, पूर्व सांसद राहुल भोसले और पंकज भालेकर ने पार्टी से एक दिन पहले ही इस्तीफा दिया था, जिसके बाद इन चारों के साथ उनके सहयोगियों और अजीत गुट के कई कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़कर शरद पवार खेमे में एंट्री की है, जिनका स्वागत खुद शरद पवार ने अपने घर पर कराया। इसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, जिनसे बीजेपी और बीजेपी वाले महायुति गठबंधन की टेंशन बढ़ गई है। खबरों की माने तो शरद पवार ने पिछले कुछ महीनों में ये भी कहा था कि जिन लोगों ने पार्टी को कमजोर किया है उन्हें पार्टी में नहीं वापस लिया जाएगा, लेकिन संगठन को मजबूत करने वाले नेताओं के लिए उनकी पार्टी के दरवाजे खुले हैं। अजीत पवार और शरद पवार के बीच पार्टी पर दावे को लेकर लंबा टकराव हुआ था, ये हम आपको बता दें, लेकिन चुनाव आयोग ने एनसीपी के तौर पर अजीत पवार गुट को वरीयता दी थी, लेकिन उसके बाद से उनके लिए स्थितियां कुछ खास रही नहीं, क्योंकि उन्हें लोकसभा चुनाव में भी बड़ा झटका लगा था और उनकी पत्नी यानी कि अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार तक बारामती लोकसभा सीट से चुनाव हार गई थी। पार्टी ने महज एक सीट पूरे लोकसभा चुनाव में जीती थी, जबकि कांग्रेस का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में उम्मीद से काफी बेहतर रहा था। अब इन सब से कहीं ना कहीं बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों को ये चिंता जरूर होगी कि कहीं लोकसभा चुनाव की ही तरह विधानसभा चुनाव में भी कि कांग्रेस और उसके गठबंधन से बीजेपी और बीजेपी के साथ जो सहयोगी पार्टी है उनको कहीं बड़ा झटका न लगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। 13 सीटें जीतकर कांग्रेस बीजेपी से भी बड़ी पार्टी बन गई। 2019 के चुनाव में जिस महाराष्ट्र में बीजेपी का एनडीए गठबंधन 48 में से 42 सीटें जीता था, वो 2024 में 17 पर लुढ़क गया। अब लोकसभा चुनाव के बाद सबकी निगाहें विधानसभा चुनावों पर टिकी हैं। बता दें कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी, जिसमें कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी कि यूबीटी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार वाली, ये सब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। देश में हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य बनकर उभरा जहां बीजेपी एनडीए को बड़ा झटका लगा। कांग्रेस के नेतृत्व में बने विपक्षी गठबंधन इंडिया को जबरदस्त जीत मिली, सफलता मिली। प्रदेश की 48 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 17 तो वहीं इंडिया को 30 सीटें मिली और अन्य को एक सीट मिली। अब एमवीए लोकसभा चुनाव की ही तरह विधानसभा चुनाव में भी अपनी परफॉर्मेंस मेंटेन रखना चाहता है। महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं और बहुमत के लिए 145 सीटों की जरूरत होती है। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र का राजनीतिक माहौल और भी ज्यादा गर्माने वाला है। दल बदल का सिलसिला भी शुरू हो सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि इस विधानसभा चुनाव में जनता किस पर भरोसा कर सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाती है। क्या आपकी राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ना बताना भूलें, और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए आप बने रहें न्यूज़ तक के साथ।